हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डेटा कलेक्टर फॉर यूनिसेफ प्रोजेक्ट AIIMS पटना में। तो दोस्तों, यहाँ पर AIIMS पटना के लिए, यहाँ पे पटना में जो डाटा कलेक्टर के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, जिसका पोस्ट है 40। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन आपके पास होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जिसके बाद ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। और इसके साथ रिम्यूनेशन के लिए 1000 पर डे फिक्स्ड फॉर द 30 डेज ओनली। और दोस्तों, यहाँ पे डाटा कलेक्टर के लिए 30 ईयर्स जो कि मैक्सिमम एज लिमिट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और 5 ईयर्स जो कि एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा SC ST OBC फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 18 दिसंबर 2018 के पहले आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन जो कि लास्ट डेट है 18 दिसंबर 2018 और इंटरव्यू डेट है यहाँ पे 24 दिसंबर 2018। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म जो कि डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म किस तरह से फिलअप कर सकते हैं, जिसके लिए इसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते एंड उसके बाद प्रिंट आउट निकल के आप लोग इंटरव्यू के दिन ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड फैमिली मेडिसिन, फर्स्ट फ्लोर कॉलेज बिल्डिंग AIIMS पटना 801507। इस फॉर्म के पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक फोटोग्राफ आपको लगाना होगा, उसके बाद आपको नेम जो है यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में लिखना होगा, उसके बाद आपका फादर्स नेम, आपका एड्रेस, पिन कोड, आपका परमानेंट एड्रेस उसके साथ पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर जिसके अंदर आपको मोबाइल फ़ोन नंबर एंड टेलीफोन नंबर देना पड़ेगा, उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स मेल और फीमेल, नेशनलिटी एंड उसके साथ साथ आर यू ऑफ मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और OBC आपको यहाँ पे वो देना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे आपको डिटेल्स देना होगा, जिसके लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन और डिग्री आपको यहाँ पे इस कॉलम में लिखना होगा, उसके बाद आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट था उसको यहाँ पे लिखना होगा, उसके बाद दोस्तों ईयर ऑफ पासिंग एंड ग्रेड परसेंटेज आपको यहाँ पे वो लिखना होगा। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको अगर आप एक्सपीरियंस और वर्किंग आप कोई भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट के जुड़े जॉब कर अगर कर चुके हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे आपको वो देना होगा। इस तरह से जो कि इस फॉर्म को आपको फिलअप करना हो, नीचे आपको जाके आपका सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस आपको देके इस फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों, इस तरह से AIIMS के जो इंटरव्यू होने वाला है इस पोस्ट के लिए, तो उस पोस्ट के लिए आप इस तरह से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते, आप जो कि फिलअप कर सकते। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द दे दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।